नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल मेहडा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएल मेहडा जाने पर। दोस्तों आज हम आए हैं जम्बेश्वर मंदिर डाबला में। तो यहाँ पर हम मिले हैं प्रधान जी कृष्ण जी सीगढ़ और यहाँ पर अनिल जी माधो जी। तो ये हमें गुरु चले हैं दोनों। तो ये हमें इस जो प्राचीन गुफा है, गुफा के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं गुफा के अंदर। थोड़ा प्रधान जी बताइए गुफा के बारे में। ये स्कूल शुरू में 1 जुलाई 1983 से अस्थायी रूप से चला था और यहाँ 22-23 बच्चों का शुरू में एडमिशन हुआ था। तो एक साल तक अस्थायी था, उसके बाद में 84-85 में स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया और इसको जनवरी में मान्यता मिल गई थी क्लास 1 से 5 तक। और उसके बाद में ये लगातार 1990 तक यहाँ चला और 1988 में इसको मिडिल स्कूल की मान्यता मिल गई। उसके बाद में 90 में वहाँ जो अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो ये कुटिया के नाम से मतलब जाना जाता है। इसीलिए आज भी इसको कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आज भी ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालिका का है, लेकिन इसको कुटिया वाले स्कूल से ही चर्चा। ठीक है सर। तो शुरू में ये कमरे मतलब स्टार्ट किए थे श्री महाराज, जो मतलब 30-35 वर्षों तक खड़ी तपस्या की थी, उन्हीं के आने में ये गुफा का मतलब उन्होंने यहाँ इस जगह बताया। यहाँ मतलब उनके आप करोगे तो यहाँ कभी जम्बेश्वर भगवान ने आके यहाँ खुद ने आवाहन किया वो ये जगह है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ पर इस जगह आके हवन किया था। हवन किया तो ये बताया कितने साल तक लगभग 30-35 साल तक खड़ी तपस्या की खड़े हैं। 30-35 साल तक यही हाँ ये इसी जगह ये जिस जगह गुरु जम्बेश्वर जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी यही वो जगह है जहाँ पर तपस्या। गणेश जी महाराज यहाँ पर 1976 में आए थे जी और लगभग 80-82 तक उसके बाद में ये यहाँ से मतलब दूसरी जगह स्थान करके 32 बड़े हैं जो खाजोड़ा वहाँ उन्होंने अपना एक छोटा सा पर्सनल जगह लेके मंदिर भी बनाया है वो आज भी है। तो यहाँ से ही इस जो गुफा की वो शुरुआत इसी से इस गुफा में लगभग 32 कमरे हैं। अब आपको सारे इसके नीचे एक और है, इसके नीचे और एक और है, उसमें बाटलर जो है वो उनका है जी। ये जो दोस्तों जो कमरा है ये अंडरग्राउंड यहाँ का लास्ट कमरा है। वाटर लेवल ऊपर आने के कारण इस कमरे को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये कमरा आज भी उसी तरह बना हुआ है। तो हम चलते हैं गुफा के अंदर। ये जो यहाँ पर टोटल 32 कमरे हैं, यहाँ पर अंधेरा काफी है। आइए आप गुफा के अंदर। कितने साल हो गए थे इसको बने हुए? ये लगभग 40 साल हो गए ऐसे ही सेम ये कंडीशन। 40 साल और कई बार ये मतलब पानी से भी भर चुकी है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड कई बार पानी से है। वाटर लेवल वाटर लेवल नहीं जो करनी थी नहर के और समेजा नहर के बीच में सेप्टन बना हुआ है। अगर कोई मतलब तूफान वगैरह आए नहर टूट जाए तो उस टाइम इसमें एस्केव में पानी छोड़ा जाता है, वो उसकी चपेट में आई हुई है कई बार। अच्छा, उसकी चपेट में आई जी। अभी इसका दोबारा निर्माण हो रहा है कि दोबारा अब चालू है वो कमरे देख लेंगे आप। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से इधर अंदर ये है शायद अंधेरा है। आइए जो कि यहाँ नंबर की तरफ जी
अभी वो एक बार रोक दिए, आगे कमरे हो रहे हैं, हलवाई बैठा रखा हॉल है उसके, अच्छा हॉल में बैठा रखा है हलवाई। जी जी आगे वो क्या आगे हो रहा है 10-15 कमरे इधर भी पीछे 10-15 कमरे हो रहे हो रहे हैं। ये एक बार क्लोज कर लिए, एक बार बंद कर दिए, देखो अच्छा उसको लंगर के लिए यहाँ से लंगर के लिए यूज कर रहे हैं और यहाँ से क्लोज कर दिए। हाँ वो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से जो ग्राउंड लेवल है वो तो ऊंचा होगा वहाँ, हाँ वहाँ से ऊंचा है ना, ये तो अंडरग्राउंड ही है। दूसरी पौड़ी आ गई, अच्छा ये दूसरी पौड़ी दूसरी है। तो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। पहले मतलब 5 साल तक इसमें क्लास में के बाद नहीं, स्कूल की क्लास में 5 साल तक की अच्छा ये जो दोस्तों आप आइए आप इधर दिखाइए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 5 साल तक जो बालिका पहले प्राइमरी प्राइमरी तक 5 साल, उसके बाद में उसकी क्लासें हैं तो यहाँ पर चली थी पुराने टाइम में, और अभी वो है स्कूल दूसरी साइड में यहाँ पर नजदीक में शिफ्ट हो गई है। ये ब्लैक बोर्ड की निशानी अभी भी पड़ी है कि यहाँ पर कभी स्कूल आ रहा है। पहले स्कूल था और यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ के जो जॉब लगे हैं, उनमें से एक हमारे अनिल जी भी हैं जो यहीं पढ़ के जॉब लगे हुए हैं। तो आइए बाहर की तरफ चलते हैं। वो